नमस्कार। मिथुन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि मई के महीने में कुछ विशेष बदलाव मिथुन राशि पर होने जा रहे हैं। मिथुन राशि के लिए 6 तारीख ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है मिथुन राशि के लिए। कौन सी तारीखें हैं वो आप नोट कर लीजिए। 8, 9, 10 ये मई और 15, 16 और 17 ये तारीखें, और इसके अलावा 27, 28 और 29 ये 6 तारीखें, यानी कि जब आपके 4, 8, 12 भाव में चंद्रमा गोचर करता है तो उन दिनों खास तौर से बुरे ग्रहों का प्रभाव उस समय मिलता है देखने को। क्यों मिलता है देखिए, जब कोई ग्रह या कोई मनुष्य की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है शरीर की, या उसके शरीर की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब उसके ऊपर ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है। ठीक इसी प्रकार ग्रहों का जो ट्रांजिट है, जब आपका खराब चंद्रमा आएगा तब उनका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे कि एक शेर जो होता है, शेर का कानून और नियम क्या है, तो जो झुंड होता है झुंड के ऊपर कभी हमला नहीं करता, पहले वो उस झुंड के एक जानवर को आइसोलेट करते हैं, एकांत में ले जाते हैं दौड़ा करके डरा करके, और फिर अकेले के ऊपर झपट्टा मारते हैं आक्रमण करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आपका चतुर्थ अष्टम और द्वादश ऐसा कोई जब ग्रह चंद्रमा आएगा तो आपका मन अशांत होगा, आप गलत काम करेंगे, गलत सोचना शुरू करेंगे, एंजाइटी तनाव चिंता डिप्रेशन नेगेटिव थॉट्स अशांति जल्दबाजी चिंता और सोचने का तरीका अलग, जल्दबाजी ओवरटेक सारे गलत काम अगर आप कर नहीं रहे तो ग्रह आपसे कराएगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। हम जो इन तारीखों की बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण और दृष्टिकोण अवश्य है। आपको भ्रमित करना डराना था और कंफ्यूज करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो मैंने जो तारीखें बताई हैं 8, 9, 10, 15, 16, 17 और 27, 28, 29 मई ये आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाली तारीखें अंग्रेजी हिसाब से नहीं है। अब क्या होगा कि आपकी राशि पर द्वादश भाव ज्योतिष में कहीं भी किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं माना गया। सिर्फ 2 ग्रह तो ऐसे हैं जो ज्यादा शुभ फल देते हैं, शनि और शुक्र द्वादश भाव में कारक माने गए हैं, अच्छा फल देते हैं, लेकिन आपकी राशि से द्वादश भाव में मई के महीने में कौन से बड़े बदलाव और द्वादश भाव में आएंगे जो आपके लिए ट्रांजिट मोशन में शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। नंबर 1 मई को बृहस्पति देव का ट्रांजिट आपकी राशि में द्वादश भाव में होगा। दूसरा ट्रांजिट 14 मई 2024 को ही होगा। तो जब एक ग्रह द्वादश भाव में पहले से ही चल रहा था, ठीक 13 दिन के बाद दूसरा बदलाव सूर्य का द्वादश भाव में आना, ये अच्छा परिणाम नहीं देगा। इसके अलावा आपको सकारात्मक प्रभाव देने वाला आपके पंचम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में ही 19 मई को प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार देखिए 3 ग्रह हो गए 12वें में, चौथा 31 मई को प्रवेश करेगा। ये सब बातें चलते चलते आपके दशम भाव में मंगल और राहु का बना हुआ अंगारक योग वो बाद में इस प्रकार से योद्धा की माफिक काम करेगा। जैसे कि जितना भरोसा रावण को अपनी सेना पर था या अपने पुत्र मेघनाद पर था, वैसे ही मिथुन राशि के 6ठे और लाभ भाव का स्वामी मंगल एक
जून को आपके लिए संजीवनी बनकर काम करेगा, आपके लिए सब प्रकार के विघ्न बाधाएं, ऐसा बताया। त्रिखटे एकादशी भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, लाभ भाव में जब आपके मंगल आ गया तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं इस प्रकार हट जाती है। जैसे भगवान सुदर्शन श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र चलता है तो सबके शीश काट देता है, ठीक इसी प्रकार एकादश भाव में मूल त्रिकोण राशि में रुचक योग बना करके मंगल आप इस ये जो मई के महीने में आप समस्या झेलोगे तो जून के महीने में ये सब समाप्त हो जाएंगी धीरे धीरे, या नहीं भी समाप्त होंगी तो आपको टॉर्चर और पीड़ित नहीं होने देगा मंगल एकादश भाव में। अब हम दूसरा पक्ष लेते हैं, जहां द्वादश भाव में बैठे हुए इन चार ग्रहों की पीड़ा आप सहन करेंगे, वहीं आपकी राशि से नवम स्थान भाग्य स्थान में शनि आपको नुकसान हानि पीड़ा नहीं देगा, लेकिन आपकी माता मित्र मकान सवारी पशु तथा घर में क्लेश और पीड़ा पहुंचाने वाला जो केतु है और आपके दशम भाव में राहु आपको नौकरी और व्यवसाय और आपके कार्य क्षेत्र में कुछ तब्दीली कुछ बदलाव कुछ संशोधन करेगा, ऐसा ग्रह चल रहा है और ये बात आपके लिए लागू होगी। 2 मई के बाद आपकी जो ग्रहों की जो पावर है जो आपको बहुत यश मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा प्रॉपर्टी जायदाद तरक्की सुख दे रही थी, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना हुआ था, उन सब में आपकी जो आशाएं हैं महत्वाकांक्षाएं हैं आपकी योजनाएं हैं उन पर कुछ ब्रेक लगाएगा। अपने विवेक से काम लें, किसी के कहने में ना आए। कारण क्या है कि आपके चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु आपको अशांत करने में लगा हुआ है, तो जब भी कोई डिसीजन लें गलत डिसीजन ना हो सोच समझ के लेना, कंफ्यूज होना नहीं है। इन 6 तारीखों का ध्यान रखना, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 27, 28, 29 मई, तो इन तारीखों में से आपको सचेत रहना होगा। आपके कार्य जो भी क्रियान्वित करना चाहते हैं कोशिश करें कि अवॉइड करें इन 3 जो तारीखों का जोड़ा मैंने बताया है, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 27, 28, 29 मई। अब हम आते हैं आपके द्वादश भाव में ये जो 4 ग्रह हैं ये करेंगे क्या, क्या नुकसान दे सकते हैं आपको। देखिए आपकी यात्राएं दूर की यात्राएं, कोई बंदा दिल्ली में रहता है तो उसको बेंगलोर जाना पड़ेगा, कोई बिहार में रह रहा है तो दिल्ली आएगा, कुछ कोई पंजाब में है तो जाएगा कलकत्ता, आसाम, मणिपुर, कोई यात्रा करेगा गुवाहाटी से जैसलमेर, राजस्थान, जयपुर, तो एक देश के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की यात्रा का सूचक बनता है। बृहस्पति क्या करता है, शादी विवाह मांगलिक कार्य मुंडन संस्कार तथा कोई भी मांगलिक कार्य सगाई विवाह आदि रिंग सेरेमनी इनमें आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको धार्मिक यात्राएं, कोई शिरडी जाएगा, कोई वैष्णो देवी, कोई बालाजी, जहां जहां आपकी मन्नत आपने मांगी हुई है या अचानक परिवार के इष्ट मित्र कुटुंबी जन नियर एंड डियर का प्रोग्राम बन रहा है उसने आपको चर्चा कर दी, बोले भाई हम फला तारीख को वहां जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, बोले अच्छा हम भी चलते हैं आपके साथ, ऐसे बनते हैं प्रोग्राम और बनेंगे। ये जो मास होगा आपके लिए कई मायनों में बहुत खास होगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में शनि जो है आपको नुकसान नहीं दे रहा है लेकिन खर्चा कराएगा, व्यर्थ की भागदौड़, आपको नकारात्मक सोच मन में नहीं रखनी है। हनुमान जी की उपासना करते रहिए निरंतर लगातार, आपके लिए वरदान होगी। इसके अलावा मिथुन राशि वालों के लिए संसार में सबसे अधिक फलदायिनी जो पूजा होती है वो गणेश जी की होती है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत जो भी मिथुन राशि वाला करता है या गणेश जी की उपासना करता है
उसको रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर घर में होती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।